ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर। हमने देखा है शहरी क्षेत्रों में तमाम महिलाओं के क्लब बने हुए हैं और वो तमाम क्लब काम भी कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो ग्रामीण अंचल है उनमें अभी भी स्थिति बहुत नाजुक है। इस पर मैं बात करना चाहूँगा स्वाति वर्मा जी से। मैम, शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर महिलाएं अभी भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रखा जाता है उनको और बहुत सारी लिमिटेशन उनके ऊपर लगाई जाती है। इवन जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो भी ये ठीक कहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वो अपने पेरेंट्स की वजह से आगे नहीं आ पाती हैं, हम उनको यही कन्विंस करते हैं जाकर कि जो वो कोर्स करना चाहती हैं वो कोर्स करें और आगे बढ़े, क्योंकि जो चौका बर्तन करती हैं हम उनको वही समझाते हैं कि जब पढ़े लिखे हो आप तो वो क्यों ये काम करें, अपने जो अंदर जो काबिलियत है उसको लेकर आए। इसीलिए हम लोग जाते हैं, उनको कोर्सेज कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर उनको हम जॉब प्रोवाइड करते हैं। और जो पेरेंट्स, उनको डर रहता है कि नहीं मेरी लड़की बाहर जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसी चीज के लिए हम समझाने जाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। बहुत सारी हमारे साथ लड़कियां जुड़ी हुई हैं, महिलाएं हैं, हम उनको लेके जाते हैं। अब मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी परमिशन दे रखी है, मैं भी देश का नाम आगे करना चाहती हूँ, कर रही हूँ ये अपने सोशल वर्क कर रही हूँ। और सबसे बड़ा सपोर्ट देखिए पेरेंट्स का रहता है, जैसे मैं अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ, वो मेरे साथ हैं, मम्मी पापा भाई वो मेरा सपोर्ट करते हैं, वही मैं हम लोग उनको समझाते हैं, उनके मम्मी पापा को भाई को बड़े कि आप उनको निकालिए, जब तक आप ही उनको ताकत नहीं देंगे तो वो नहीं आगे बढ़ पाएंगी। और अब हम जो गाँव में जाते हैं हमें रिजल्ट वो दिखाई दे रहे हैं और इस बात से हमें बहुत खुशी होती है। निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी आवश्यकता है इस तरह के कार्यक्रम चलाने की। हमारे साथ रेखा रोहिला जी हैं। मैम, मैं आपके पास उसी क्वेश्चन को लेके आऊँगा। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा जो गैप है ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच वो पिछले दिनों में आ गया है? हाँ, ये तो है ही, ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच में बड़ा गैप है। शहरी महिलाएं अभी तक अपनों को घर परिवार से निकाल ही, गांव की महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं अभी तक अपने आप को घर परिवार से निकाल ही नहीं पाई हैं। हम यहाँ जाते हैं थोड़ा सा आउटर एरिया में ही, हिमगिरी जो पड़ता है क्षेत्र, वहाँ पे काम वाली भाइयां ही हैं, उन लोगों को हमने निःशुल्क स्कूल चला रखा है प्रेरणा, तो वो लोग वहाँ पढ़ती हैं और उनको सिलाई का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उन लोगों को हमने NIOS का एग्जाम दिलवाया है और उसमें से 7 महिलाओं ने NIOS का एग्जाम क्लियर किया है 5th क्लास तक का। अब आगे वाले साल में हम उन्हें 12th तक का एग्जाम दिलवाएंगे, NIOS का सर्टिफिकेट दिलवाएंगे और सिलाई का प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जा रहा है, उसमें क्लचेज वगैरह वो लोग बनाती हैं और उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो उन सब सामान को मार्केट में सेल आउट करें। उसके लिए हम अभी प्लेटफॉर्म देते हैं उन्हें, उनका सामान हम क्लब्स की वगैरह की जो मीटिंग्स होती है, जनरल मीटिंग्स, उनमें लगवाते हैं और सेल भी होता है। तो इस तरीके से हम उनको प्रोत्साहन देके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा है शहरी जो लड़कियां होती हैं वो स्पोर्ट्स में भी हैं, लेकिन खासकर मैं बात करूं अगर उत्तर प्रदेश की के मुरादाबाद जैसे शहर की, तो वहां पर लड़कियों का परसेंटेज खेलों में बहुत कम है, ग्रामीण लड़कियों का। आपको क्या लगता है और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों को जो खेलों में आगे आना चाहती हूँ? मैं सभी से आने वाली पीढ़ी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपने आप को किसी से कम ना समझें और अपना कॉन्फिडेंस कभी कम ना करें। ऐसी बात नहीं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि लड़कियां टेंशन नहीं है, वो 10 सन्स के बराबर हैं। आज मेरे मम्मी पापा ने मुझे कुछ समझा, इस लायक बनाया कि आज मैं यहाँ इस पीढ़ी पे खड़ी हूँ। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो लड़की अपने आप को किसी से कम ना समझे, वो टेंशन ना समझ के उनके माँ बाप उन्हें ये शिक्षा की देगी वो 10 सन्स के बराबर है, मतलब 10 लड़कों के बराबर हमारी एक लड़की है। थैंक यू। ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा खेलें, और प्रदेश सरकार से भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वो ग्रामीण स्कूलों में, खासकर जो लड़कियों के स्कूल होते हैं उनमें खेलों की सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा करें, और जूडो जैसे खेल जिसकी सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत जरूरत है आज के टाइम में, सशक्तिकरण के लिए, उसको कंपलसरी आर्ट के रूप में अगर कर दिया जाए तो मैं समझती हूँ काफी हद तक हम लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा कि जो हमारा चला हुआ हमारे बेटी बचाओ अभियान और लड़कियों के प्रति जो माँ बाप की जागरूकता है, उससे मैं चाहती हूँ कि इस आर्ट को कंपलसरी कर दिया जाए।
हमारे साथ इस दौरान मास कॉम की कुछ छात्राएं भी जुड़ी हैं, उनसे भी हम उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे और क्या समाधान है उस पर चर्चा करेंगे। कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय की, छवि हैं, गुलफशा हैं और अंशिका हैं। आप तीनों का स्वागत है। हम इन तीनों से जानने की कोशिश करेंगे कि महिला के विषय में हमने पूरी चर्चा की, लेकिन कहीं ना कहीं छात्राओं की अपनी समस्याएं हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। छवि, सबसे पहले मैं आपके पास जाना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं एज अ स्टूडेंट जो आपको फेस करनी पड़ती हैं, फीमेल स्टूडेंट? एज अ फीमेल स्टूडेंट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज की सोसाइटी में है वो ये है ईपीजिंग, छेड़छाड़। सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी कहीं ना कहीं हम लोगों को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती है। छेड़छाड़ हो गई, या ये कहा जाता है कि हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, या हम लोग आगे क्या करेंगे, हमें संभालना तो घर ही है। तो ये एक सोच है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है और इसी सोच को बदलना है। इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है जो नई सरकार है, आपको क्या लगता है वो कितना कारगर हुआ है इन चीजों को लेकर? कहीं ना कहीं फायदे तो मिले हैं, लेकिन ले के साथ साथ उसके डिमेरिट्स भी बहुत है, क्योंकि आम जनता की लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं ये सारी चीजें। जहां एंटी रोमियो स्क्वाड को, रोड साइड रोमियोस को रोकना चाहिए, वहीं वो आके अगर दो लोग बैठे हैं, अगर कोई फ्रेंड्स का ग्रुप बैठा है तो वो वहां जाके उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आप लोग कहाँ हैं, उनके घरों पर फोन लगाया जा रहा है। तो इस चक्कर में हम लोगों की लाइफ को अफेक्ट हो रहा है और ये चीजें हम लोगों के वेलफेयर के लिए बनी है, ना कि हमारे ऊपर रोक टोक लगाने के लिए। लक्ष्य, मैं आपसे पूछूंगा कि ये बहुत मुश्किल है ये पहचानना कि कौन रोमियो है, या तमाम इन चीजों को वाईफाई गेट करना, ये कैसे संभव है कि पुलिस इन दोनों में अंतर कर सके? इसको सिर्फ ये नहीं, जो इनोसेंट लोग हैं उन्हीं को पकड़ कर लिखा जाए, पहले आप ऑब्जर्व तो कीजिए कि किसका ब्लेम है। इनोसेंट लोग भी उसमें पकड़े जा रहे हैं और जो विक्टिम्स हैं वो भी है, लेकिन कई बार जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही भाई बहन को पकड़ कर ले गए, तो आप ये तो मत कीजिए कि आप पहले पूछिए, और उनके घर पर फोन कर रहे हैं उससे उनकी इमेज भी खराब हो रही है कहीं ना कहीं। तो कहीं इसके प्रॉन्स भी हैं एज वेल एज कॉन्स भी हैं, तो आपको ऑब्जर्व कीजिए उस बात को कि कौन रियल विक्टिम है, ब्लेम किया जाए। हम सिर्फ ये सेफ्टी, बहुत अच्छा एक स्टेप लिया गया है विमेन्स के लिए कि एक उनकी सेफ्टी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉमन पब्लिक को इससे परेशानी भी हो रही है। मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे मेरा सवाल ये है कि तमाम सुविधा, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, तमाम तरह की योजनाएं छात्राओं के लिए चला रही है गवर्नमेंट, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को इस चीज को खत्म करने के लिए? सर, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले गवर्नमेंट को एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए जो शायद कहीं ना कहीं मिसिंग है। अभी अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, एक एंटी रोमियो स्क्वाड बना है जो कि यूपी में बना है रिसेंटली, उसमें अभी कल रिसेंटली यूपी के चीफ मिनिस्टर योगीनाथ जी सर ने अभी एक कमेंट पास करा था कि बोला था कि सिर्फ जो एंटी रोमियो लोग हैं, मतलब उन लोगों को ही पकड़ा जाए और किसी को ना पकड़ा जाए, मतलब इतना होने के बावजूद भी उन्हें अब सफाई देनी पड़ रही है, जबकि ये जो स्क्वाड है पहले ही गठित हो चुका है। सबसे पहले एक चीज यही है कि फंक्शन सेपरेट बॉडी बनानी चाहिए जिसमें वुमेन उसका पार्ट हो और वुमेन के लिए ही हो, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं वुमेन्स रिलेटेड जो शायद एक वुमेन ही समझ सकती है और एक मैन नहीं, और साथ ही साथ जरूरत है उसके लिए डायरेक्ट एक्शन लेने की। और एक चीज और मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि एक चीज होती है सर्वे जो हम नॉर्मली लोगों के साथ करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक यूपी गवर्नमेंट को एक ऐसा सेपरेट सर्वे क्रिएट करना चाहिए जो कि सिर्फ गर्ल्स से रिलेटेड हो, और उसमें ये पूछा जाए कि आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं और व्हाट न्यू यू कैन इम्प्लीमेंट, इसमें आप क्या नया इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, क्योंकि सुझाव कहीं ना कहीं हम एक आम इंसान से ही निकलते हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम चर्चाएं की जाती हैं और उन तमाम चर्चाओं के समाज में अगर हम धरातल पर देखें तो नतीजे बहुत कम दिखाई देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये जो विचार हैं ये धरातल पर भी दिखेंगे और हम माँ शक्ति की उपासना के साथ साथ जो वास्तव में शक्ति की रूप महिलाएं हैं उनकी सम्मान करेंगे और उन्हें भी आगे बढ़ाने में
उनके मददगार साबित होंगे। आज मैं कार्यक्रम के अंत से पहले मैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है, वो हमें सुनाए, हमारे दर्शकों को सुनाए। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार। कम नहीं नारी जमाने को बताना है, लगा कर हौसलों के पर गगन छू कर दिखाना है। किसी से कम नहीं नारी जमाने को बताना है। हमारा दिल बहुत कोमल भरा है प्यार ममता से, मगर आका गया हमको न जाने क्यों विषमता से। नाप जज्बात में तहकर, नाप जज्बात में तहकर यहाँ जीवन बिताना है। नाप जज्बात में बहकर यहाँ जीवन बिताना है। किसी से कम नहीं नारी जमाने को बताना है। बिछे हैं अनगिनत कांटे हमारी राह में, देखो कमी फिर भी नहीं होगी हमारी चाह में। देखो बिछे हैं अनगिनत कांटे हमारी राह में, देखो कमी फिर भी नहीं होगी हमारी चाह में। देखो चुभे ये लाख पैरों में, चुभे ये लाख पैरों में हमें मंजिल को पाना है। चुभे ये लाख पैरों में हमें मंजिल को पाना है। किसी से कम नहीं नारी जमाने को बताना है। सुलगने सी लगी दिल में नई चिंगारियां कितनी, हमारा साथ देने ही चली अब आंधियां कितनी। जन्म सुलगने सी लगी दिल में नई चिंगारियां कितनी, हमारा साथ देने ही चली अब आंधियां कितनी। नहीं अब राख सा रहना, नहीं अब राख सा रहना हमें बन आग जाना है। नहीं अब राख सा रहना हमें आग जाना है। किसी से कम नहीं नारी जमाने को बताना है। करेंगे सब सभी अपने यहाँ देखे हुए सपने, नहीं मुंह मोड़ लेंगे पर कभी कर्तव्य से अपने। करेंगे सच सभी अपने यहाँ देखे हुए सपने, नहीं मुंह मोड़ लेंगे पर कभी कर्तव्य से अपने। हमें संतान को देना, हमें संतान को देना गुणों का ही खजाना है। हमें संतान को देना गुणों का ही खजाना है। किसी से कम नहीं नारी जमाने को बताना है। बिना नारी अधूरा नर तो नारी भी अधूरी है, ना होते साथ दोनों कर खुशी कोई ना पूरी है। बिना नारी अधूरा नर तो नारी भी अधूरी है, ना होते साथ दोनों कर खुशी हर कोई अधूरी है। बताओ अर्चना फिर क्यों, बताओ अर्चना फिर क्यों पुरुष का ही जमाना है। बताओ अर्चना फिर क्यों पुरुष का ही जमाना है। किसी से कम नहीं नारी जमाने को बताना है। लगा कर हौसलों के पर गगन छू कर दिखाना है। किसी से कम नहीं नारी जमाने को बताना है। Thank you.